हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल मैं हूँ और आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ जलेबी की रेसिपी टाइटल देख के पता चल ही गया होगा आज मैं आप लोगों से क्या शेयर करने वाली हूँ तो लेट ना करके जल्दी जल्दी चलिए और देखते हैं कैसे बनता है दस मिनट में लगभग दस मिनट में गरम गरम फुल्को फुल्को जलेबी तो चलिए देखते हैं और हाँ गाइस आपने अगर पहले जलेबी ट्राई किया है घर में तो अच्छी बातें अगर नहीं ट्राई किया है तो ये रेसिपी देख के जरूर ट्राई करना और हाँ कमेंट करके मुझे जरूर बताना आपका रिजल्ट तो चलिए पहले भी बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए चाशनी चाशनी के लिए हम ले लेंगे एक कप वाटर और दो कप शुगर याद रहे, ये टू इश टू वन में ही होना चाहिए मैं चीनी कम खाती हूँ इसलिए थोड़ा कम डाला है अभी हम इसमें ऐड कर देंगे नीमू का रस थोड़ा नीमू का रस ऐड कर देंगे ताकि ये चाशनी जो है ये जम ना जाए अभी हम इससे अच्छी से उबाल लेंगे उबालने के उबालते उबालते थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे लगभग लग ये ऐसा हो जाएगा ऐसा होने में आपको गैस को बंद कर देना है अभी हम रेडी करेंगे जलेबी के लिए जलेबी के लिए के चाहिए एक कप मैदा और चाहिए एक कप तीखा दही याद रहे तीखा दही ही चाहिए और आप चाहे तो चावल का आटा भी ऐड कर सकते हो अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ी थोड़ी करके पानी ऐड करेंगे याद रहे ये जो गोल है ये ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा थिन भी नहीं होना चाहिए अगर ज़्यादा पतला हो गया है तो आप थोड़ा थोड़ा और मैदा ऐड कर सकते हो अगर थिन हो गया है तो ज़्यादा थिन हो गया है तो मैदा ऐड कर सकते हो अभी हम रेडी है अभी हम इसमें फ़ूड कलर ऐड कर देंगे आपके पास फूड कलर नहीं है तो भी चलेगा यहाँ पे थोड़ा अच्छी कलर पाने के लिए मैं फ़ूड कलर यूज़ कर रही हूँ तो मेरा ये रेडी है अभी अभी हम जलेबी बनाने के लिए मैंने एक ग्लास ले लिया है ग्लास के अंदर अंकल चिप्स की जो पैकेट है हम अंकल चिप्स की पैकेट यूज़ करेंगे आपके पास टोमेटो कैशअप की बोतल है तो आप यूज़ कर सकते हो अभी हम इसमें नीचे से कट कर लेंगे और इसकी मदद से जलेबी बनाएंगे या आप कॉटन की कपड़ा लेकर भी कर सकते हो तो मैंने कढ़ाई पे तेल गरम होने के लिए छोड़ दिया था अभी तेल गरम होने के साथ साथ में देख सकते हो मैंने जलेबी बना लिया है अभी ये जलेबी होने के बाद मैं इसको जो मैंने चाशनी बनाया था उसमें डाल देंगे और चाशनी के अंदर लगभग तीस सेकंड से सिक्सटी सेकंड तक ही रखेंगे या आप लोग तीस सेकंड ही रखना तीस सेकंड रखोगे तो तीस सेकंड में ही जो चाशनी है ये जलेबी के अंदर अच्छी से एब्जॉर्ब हो जाएगा याद रहे तीस से 60, थर्टी से सिक्सटी सेकंड ही रखना इसे ज़्यादा नहीं रखना देख सकते हो कितना अच्छा बन रहा है कितना क्रिस्पी बन रहा है देखने में ही कितना अच्छा है तो गाइस जल्लेट ना करके जल्दी जल्दी आप भी ट्राई करो ये रेसिपी और मुझे कमेंट करके बताओ गाइस मैंने कढ़ाई जो है बहुत छोटा ले लिया था इसलिए एक एक करके मुझे बनाना पड़ रही है बनाने पड़ रही है बड़ा कढ़ाई लोगे तो एक साथ दो तीन हो जाएगा और इज़िली हो जाएगा और हाँ आप ऑयल की बदले में घी भी यूज़ कर सकते हो देख ये देखो ये देखो कितना क्रिस्पी है कितना अच्छा है हाँ बोल रही थी कि आप घी भी ऐड कर सकते हो तो ये देखो बढ़िया कितना बढ़िया एकदम बाज़ार की तरह मेरे जलेबी रेडी है तो गाय जल्दी जल्दी आप भी ट्राई करो और मेरे साथ आपकी रिज़ल्ट ज़रूर शेयर करना सो so ये था आज का वीडियो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और आप नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और हाँ बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि मेरे वीडियो जब अपलोड होगी सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए इसके लिए तो आज का वीडियो ये था बहुत ही जल्द लौटूंगी एक नए वीडियो के साथ तब तक बाय